नमस्कार दोस्तों, SRE ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के द्वारा जो 2019 अगस्त में एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया था टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। उन सभी पोस्ट का जो दोस्तों लास्ट ईयर मार्च के मंथ में एग्ज़ाम होने वाला था, जिसको पोस्टपोन कर दिया था। अब फिलहाल इसकी अगेन यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी कर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो भी आप देखकर शॉक हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बताने वाला हूँ अपना एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे और कैसे आप जान पाओगे आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होने वाला है, एग्ज़ाम किस मोड में होने वाला है और साथ ही साथ आपको किस डेट को एग्ज़ाम देना होगा। इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अपडेट और जेन्यून अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है ये URSC.gov.in पर। यहाँ पर हम HSFC यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के हम एडवर्टाइजमेंट पर आ चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका एडवर्टाइजमेंट था, यहाँ पर जो फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, प्लम्बर, वेल्डर, मशीनिस्ट इन पोस्ट के लिए यदि आपको, और दोस्तों मैं आपको बता दिया जाओ तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। अभी फिलहाल मशीनिस्ट और वेल्डर पोस्ट के यहाँ पर और प्लम्बर पोस्ट के यहाँ पर एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। और जैसे भी है दोस्तों, जैसे कि आज हॉलीडे है, मे बी कल परसों में या आज ही हो सकता है कि अपडेट्स हो जाएं और भी ट्रेड्स के एडमिट कार्ड। और यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो दोस्तों ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है वो बेंगलुरु ही मिलेगा और एग्ज़ाम डेट जो आपका रहेगा वो 14 नवंबर 2021 रहने वाला है। मे बी दोस्तों अभी यहाँ पर जो प्लम्बर है और मशीनिस्ट है, इनके एग्ज़ाम 14 तारीख को होने वाला है, 14 नवंबर 2021 को बेंगलोर में, अगर हो सके। क्योंकि दोस्तों इसके एग्ज़ाम जो प्रीवियस एडमिट कार्ड आया था वो 2020 में जो आया था 15 मार्च 2020 संडे को एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी 14 नवंबर को संडे, और दोस्तों संडे को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है इसरो। और मे भी जो अन्य पोस्ट हैं उनका भी एग्ज़ाम संडे को हो सकता है। तो उसकी भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही अन्य पोस्ट के लिए अपडेट आएगी हम आप तक ये सारी जानकारी ज़रूर पहुँचा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर यदि आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखना है तो आपको किसी भी पोस्ट पर आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है। यदि आपको प्लम्बर का है तो आपको क्लिक हेयर टू व्यू द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों ये क्लिक करने के बाद आपको मैंडेटरी है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया होगा, वो लगभग 7 डिजिट का है, आपको यहाँ पर डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद शो स्टेटस, यदि आपका एडमिट कार्ड शो हो जाता है नया वाला लेटेस्ट, दैट मीन्स आपका एडमिट कार्ड वो है, और यदि पुराना वाला शो कर रहा है दैट मीन्स अभी आपका एडमिट कार्ड अपडेट नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर अन्य यदि पोस्ट के आप जैसे ड्राफ्टमैन बी का देखना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल्स, तो आप उसमें यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। और दोस्तों यदि यहाँ पर TA की पोस्ट जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल का है, आप पर्टिकुलर लिंक पर जाके क्लिक करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो। और दोस्तों ये कोई फेक अपडेट नहीं है, 1 से 2 दिन में सभी पोस्ट के एडमिट कार्ड लगभग इसरो की तरफ से जारी हो जाएंगे। यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो सीरियसली फ्रेंड्स एग्जाम डेट आ चुका है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और एग्ज़ाम डेट जैसे ही आ जाता है मैं आपको एक बार और नोटिफाई करूँगा सभी पोस्ट के रिगार्डिंग। और अब मैं ले चलता हूँ आपको उन दोनों पोस्ट की और जिनके एडमिट कार्ड अभी तक आ चुके हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस है, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी दी गई है 14 नवंबर 2021। जो एग्ज़ाम शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, 2 बजे से 3:30 बजे तक यहाँ पर एग्ज़ाम होने, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम में OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पर बात यह कि ऑफलाइन एग्ज़ाम है। और दोस्तों जो शॉर्ट लिस्ट हैं उनका जो है मेल पर भी शायद जल्दी इसरो की तरफ से आ जाएगा, लेकिन दोस्तों आप मेल पर आने से बेटर है कि आप खुद ही अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम उस पर जेन्युइन वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के इतना ही। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है SREonlineup@gmail.com, आप उसमें मेल कर सकते हैं। डोंट वरी दोस्तों, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राइवेट रहेगा, और दोस्तों हम आपको ही डायरेक्टली मेल करके आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा तो उसको मेल कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ हम आपके लेकर आते रहते हैं।
दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।